हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईपीएफओ का पासवर्ड कैसे चेंज करें। इसमें आपको पासवर्ड चेंज करने के बारे में बताया गया है। इसके लिए सबसे पहले आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने पर आपको ऐसा दिखाई देगा। इसे आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ दिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, खुलेगा। खुलने पर आपको यह ऐसा पेज दिखाई देगा। इस पर आपको अपना यूएएन नंबर डालना होगा, यूएएन नंबर, उसके बाद कैप्चा इंटर करना होगा। यूएएन और कैप्चा इंटर करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने पर आपको ऐसा एक पेज दिखाई देगा। इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालकर वेरीफाई करना है। देखिए, हमने अपना भर दिया है और इसे वेरीफाई कर दिया। फिर एक नया पेज खुलेगा, इस पर आपको आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब भरा हुआ दिखेगा। फिर इसे आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा भरना है और फिर आधार नंबर भरना है। चलिए हम इसे भरते हैं। इस पर अपना कैप्चा भर के फिर आधार नंबर भर देना है। चलिए हम भी अपना भर लें, M6EXK। इसके बाद अपना आधार नंबर भर के हम यहाँ पे एक बॉक्स दिया होगा, इस पर टिक कर देंगे। फिर इसे वेरीफाई के लिए डाल देंगे। वेरीफाई कर दीजिएगा। देखिए, आप फिर एक नया पेज खुलेगा आपका। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जो आधार से लिंक हो। यहाँ पे आपका आधार नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जिस पे आपको OTP आएगा। आप यहाँ बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, फिर आप OTP के लिए भेज दीजिएगा। आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। देखिए, मेरा आ गया OTP। अब इसे कॉपी करके एक नया पेज खुलेगा, इस पे आपको कैप्चा और OTP भर देना है। फिर इसे वेरीफाई के लिए भेज देना है। वेरीफाई पे नया पेज खुलेगा। देखिए, यहाँ एक नया पेज खुला, इस पर आपका आधार नंबर भी आ गया। फिर आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा नीचे तो आपको पासवर्ड, नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। तो आप नया पासवर्ड बना के फिर से कॉन्फर्म पासवर्ड भी बना सबमिट कर दीजिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। याद रखिएगा, पासवर्ड आपको अपने हिसाब से डालना है, जिसमें आपका एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर, एक @ वगैरह या और अंक भी होना चाहिए। कुल मिलाकर आपका 10-12 नंबर का होना चाहिए। देखिए, मेरा मैसेज भी आ गया कि मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है, सक्सेसफुली हो गया है। फिर यहाँ पे आप लिखा होगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हर टू लॉगिन। इस लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, जिस पे आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर आप यूएन का अपना सब देख सकते हैं, यूएन का पासवर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड भर दीजिएगा, फिर यहाँ कैप्चा भर लीजिएगा। कैप्चा भरने के बाद यहाँ साइन इन कर दीजिएगा। OTP आएगा आपके मोबाइल पे, इसे आप भरिएगा तभी आपका यूएन नंबर खुलेगा। बाकी तो सब आप जानते ही हैं जो कैसे कैसे खोला जाता है। हमने आपको पासवर्ड चेंज करने का बता दिया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पासवर्ड रीसेट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।